सुशांत कैसे जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं और जिस तरह से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर, क्या उसको देखकर यह भी कहा जा सकता है कि एक तरह से जंतर मंतर का की जो जगह है इन खिलाड़ियों के माध्यम से ही रेसलर्स के बहाने ही सियासी अखाड़ा भी बन रहा है, क्योंकि केजरीवाल भी कह चुके हैं कि वो भी जाएंगे धरना प्रदर्शन में जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। प्रियंका गांधी पहुंच ही चुकी हैं, कल सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे हुए थे और दीपेंद्र हुड्डा की भी मौजूदगी है। देखिए आशुतोष, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट स्थल है वो अब राजनीतिक अखाड़ा भी जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुंची हैं, दीपेंद्र हुड्डा, और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर जो है वो पहुंच सकते हैं। कल आम आदमी पार्टी के दो मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी जो है वो भी पहुंची थी। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे थे। एक सियासी संग्राम जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगले कुछ वक्त बाद जो है वो हरियाणा का चुनाव भी है और ऐसे में खिलाड़ियों का एक बड़ा वजूद जो है वो काम करता है, क्योंकि ज्यादातर ये जितने भी खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सोनीपत से, पानीपत से, तमाम खिलाड़ी जो है वो बिलोंग करते हैं और देश का नाम जो है वो रोशन करते हैं। और ऐसे में इन खिलाड़ियों की बात सुनकर के, क्योंकि यही वजह है कि जब खिलाड़ियों ने अपनी बात पुलिस ने उनकी नहीं सुनी तो वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने उन खिलाड़ियों का साथ देते हुए पुलिस को ये नोटिस जारी किया कि इस पूरे मामले पर जो है वो FIR दर्ज करे, और कल ही कल के अंदर FIR भी जो है वो दर्ज की गई है। सियासी संग्राम साफ तौर पर इस वक्त जंतर मंतर पर जो है वो देखने को मिल रहा है। कैसे जो तमाम खिलाड़ी हैं उनके साथ बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी और तमाम खिलाड़ियों के साथ तमाम अलग अलग राजनीतिक दल जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, ताकि सत्ता को जो है अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार को इस पूरे मुद्दे पर जो है वो घेरा जा सके। एक सियासी संग्राम दिल्ली की सड़कों पर अलग ही जंतर मंतर पर फिलहाल आशुतोष जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 बजे के आसपास प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। लगभग अगर कहा जाए तो 10 मिनट के आसपास का वक्त हो चुका है और लगातार प्रियंका गांधी जो है इन खिलाड़ियों की बात जो है वो सुन रही हैं। इसके साथ ही दूसरी तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो दीपेंद्र हुड्डा भी जो है वो बजरंग पुनिया और तमाम जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत जो है वो कर रहे हैं। ये सियासी संग्राम इस वक्त जो है वो जंतर मंतर पर जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है आशुतोष। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं इस वक्त जंतर मंतर से। देखिए ये जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक हैं और तमाम जो रेसलर्स हैं, और खास बात यह है कि इन महिला खिलाड़ियों से वो बातचीत कर रही हैं और समझने की कोशिश कर रही हैं कि दरअसल ये जो आरोप लगाया गया है ये पूरा मामला क्या है और क्या है इसके पीछे भूमिका, प्रकरण क्या है। इसलिए महिला खिलाड़ियों के साथ अलग से बातचीत कर रही हैं और पुरुष जो रेसलर्स हैं वो बगल में नजदीक बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त सुबह सवेरे पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जंतर मंतर खिलाड़ियों का समर्थन करने, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेसलर्स, जो पहलवान। इसके पहले कल दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर ली थी, जिनमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि क्या मैं इस्तीफा दे दूंगा तो ये खिलाड़ी प्रोटेस्ट खत्म कर लेंगे, अगर वो धरना प्रदर्शन खत्म कर देते हैं तो मैं राजी हूं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR, लेकिन किस तरह से समर्थन मिल रहा है वो आपको दिखाते हैं। प्रियंका गांधी को भी आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप सभी दर्शकों को आज तक दिखा रहा है जंतर मंतर से। सुशांत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन सुशांत किस तरह से इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी दबाव, सरकार पर भी दबाव और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मौका मिला है इन रेसलर्स के जरिए सरकार पर निशाना साधने का, पुलिस पर निशाना साधने का। देखिए आशुतोष, बता दूं कि पुलिस पर लगातार जब से खिलाड़ी ये बैठे हुए थे तब से पुलिस के ऊपर दबाव जो है वो बना हुआ था। पिछले साल भी जिस तरीके से खिलाड़ी पहुंचे थे यहाँ पर जंतर मंतर पर, पुलिस पे लगातार उस पूरे मामले को लेकर के दबाव था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई जो है वो उस पर नहीं की। मजबूरन खिलाड़ी को एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो पहुंचना पड़ा और 23 अप्रैल से लगातार खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस से लगातार ये गुहार लगा रहे थे। और इसके साथ साथ पुलिस ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं करी, उसके बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जो है वो पेश हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जो है वो जारी किया। इसके साथ साथ मैं आपको आशुतोष पहले तस्वीरें दिखाता जाऊं कि अपने कैमरामैन से कि प्रियंका गांधी की तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से लगातार वो खिलाड़ियों से बातचीत भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो कपिल सिब्बल इन खिलाड़ियों के पक्ष में जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया कि इस पूरे मामले पर जवाब दें और सरकार को भी नोटिस जारी किया, जिसके बाद कल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि इस पूरे मामले को बहुत ही संजीदा से लेते हुए मामला जो है वो दर्ज किया जाए 6 दिन के अंदर अंदर। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आनंद फानन के अंदर ही कल देर शाम को ही पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया। 7 शिकायत थी जिनमें से 2 पर
अगर कहा जाए तो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। एक पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और एक जो तमाम खिलाड़ी अपनी शिकायत दे रहे थे उनके आधार पर एक शिकायत जो एक FIR जो है वो दर्ज की गई। कुल मिलाकर के दो शिकायत जो है वो यहाँ पर FIR जो है वो दर्ज की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के अगर कहा जाए तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन खिलाड़ियों का भी समर्थन जो है वो इन खिलाड़ियों के साथ जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि पहले दिन से तमाम खिलाड़ी देश भर के तमाम खिलाड़ियों से जो है वो समर्थन की मांग कर रहे थे। कल अगर कहा जाए तो वीरेंद्र सहवाग जो है वो समर्थन में आए, नीरज चोपड़ा खिलाड़ियों के समर्थन में जो है वो नजर आए थे, और उसके बाद एक के बाद एक कपिल देव समर्थन में आए इन खिलाड़ियों के, इसके साथ साथ बॉक्सर विजेंद्र भी जो है उनके समर्थन में नजर आए। हालांकि जो PT उषा थी उन्होंने इन खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन था उसको लेकर के अनुशासनहीनता जो है वो बताई थी कि ये सही नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों ने कहा कि हमारी परेशानियों को हमारे इस संघर्ष को समझना चाहिए PT उषा को। लेकिन अब खिलाड़ियों के साथ साथ राजनीतिक दल का पूरी जोर पर अगर कहा जाए इस पे समर्थन जो है वो मिलता हुआ इन खिलाड़ियों को जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो देश का नाम रोशन करते हैं, मेडल लेकर के आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, इन तमाम इन गेमों के अंदर देश का नाम रोशन करते हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं। और ऐसे में इस दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से पिछले 6 दिन से ये खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे उसके बाद अब जाकर के है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री जो खेल मंत्री है उनका भी, अनुराग ठाकुर का बयान आया कि वो खिलाड़ियों से मुलाकात कर चुके थे, लेकिन कमेटी का भी गठन किया गया। लेकिन अब ये तस्वीरें सीधे तौर पर प्रियंका गांधी की जो कि, चलिए सुशांत आप नजर बनाकर रखें, ये तस्वीरें आप सभी को जंतर मंतर से हम दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है रेसलर्स का साथ निभाने पहुंची हुई, उनको समर्थन देने के लिए पहुंची हुई, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक से और रेसलर्स से बातचीत वो कर रही है।